स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए सेकंड सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका नाम मैथमेटिक्स 2 है। और इसमें हम लोग की यूनिट 3 चल रही थी, लैटिस और हेसे डायग्राम वाली। तो आइए देखते हैं, कुछ इसकी थ्योरी पार्ट भी हम लोग आज पढ़ लेते हैं। तो जब लैटिस की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें हम लोगों ने पोसेट पढ़ा था। पोसेट का क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑर्डर सेट। तो पोसेट को पार्शियल ऑर्डर सेट को शॉर्ट में हम बोलते हैं पोसेट। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, अ नॉन एम्प्टी सेट, कोई सेट है ए टुगेदर विद बाइनरी रिलेशन आर, उस पर एक रिलेशन लग रहा है आर, इज सेट टू बी पार्शियल ऑर्डर सेट और पोसेट। तो एक सेट है जिसपे बाइनरी रिलेशन आर लग रहा है, वो पोसेट कब होगा, जब वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। कौन सी कंडीशन, रिफ्लेक्सिविटी, एंटी सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है, जब ए का रिलेशन ए से हो, मतलब सेम नंबर का रिलेशन सेम नंबर से हो, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। एंटी सिमेट्री क्या होता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, देन ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ट्रांजिटिविटी क्या होता है, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, तो ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी। ठीक है, द पोसेट इज डिनोटेड बाय ए कॉमा आर और ए कॉमा लेस देन इक्वल टू। पोसेट को हम किससे डिनोट करते हैं, ए कॉमा लेस देन इक्वल टू, ये हमने यूज किया था लैटिस में इस साइन को। अब हम पढ़ेंगे टोटल ऑर्डर रिलेशन और लीनियर ऑर्डर और चेन रिलेशन क्या होता है, ये तीन अलग अलग नाम दिए हुए हैं। अब रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन आर, अगर वो ये तीन प्रॉपर्टी जो पोसेट की प्रॉपर्टी है, पार्शियल ऑर्डर सेट की जो तीन प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी और एंटीसिमेट्री, इन तीन प्रॉपर्टी के अलावा उसे एक प्रॉपर्टी को और सेटिस्फाई करना होगा, तो वो टोटल ऑर्डर रिलेशन होगा। वो कौन सी होगी, वो कौन सी जो है प्रॉपर्टी होगी, लॉ ऑफ डिकोटोमी। लॉ ऑफ डिकोटोमी क्या होता है, फॉर ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, आइदर ए इज लेस देन इक्वल टू बी और बी इज लेस देन इक्वल टू ए, दैट इज एनी टू एलिमेंट ऑफ ए आर कंपेरेबल। तो अगर उन तीन कंडीशन के अलावा अगर ये चौथी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब फिर सेट क्या होगा, टोटल ऑर्डर रिलेशन, या फिर हम बोलेंगे लीनियर ऑर्डर या फिर चेन ऑर्डर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शो दैट द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, 30, दो अलग अलग नंबर है, अंडर डिविजिबिलिटी फॉर्म्स अ लैटिस। 12 एक शो दैट द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स, 12 के फैक्टर्स और 30 के फैक्टर्स, इनसे हम लोग एक हैसे डायग्राम बनाएंगे, फिर देखेंगे कि वो लैटिस है कि नहीं है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। और कंडीशन क्या दी गई है, अंडर डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में इसमें हमें क्या देखना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, थर्ड एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, फोर्थ नंबर से छोटा होना चाहिए, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर को डिवाइड करे, सेकेंड नंबर थर्ड को, थर्ड नंबर फोर्थ को, मतलब जो हम नंबर ले रहे हैं तो उसमें एक नंबर दूसरे को डिवाइड करना चाहिए, डिविजिबिलिटी होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए, हमने 12 के फैक्टर्स लिख लिए, क्या क्या है, 1 से 12 कटता है, 2 से 12 कटता है, 3 से 12 कटता है, 4 से 12 कटता है, 6 से 12 कटता है और 12 से 12 कटता है। तो ये सारे नंबर्स 12 के फैक्टर्स हुए। इसी तरीके से हमने 30 के भी फैक्टर्स लिख लिए, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 फैक्टर लिखे कैसे जाते हैं, 30 तक के वो सारे नंबर जो 30 को डिवाइड करें वो हमने लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग हैसे डायग्राम बनाते हैं ए 12 के लिए और 30 के लिए। 12 के लिए बनाया हमने, तो यहाँ पे लिखा 1, फिर 1 जो है 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने लिया 4, 2 को डिवाइड कर रहा है और 4 2 से छोटा, 2 4 से छोटा है, ऐसे ही 2 जो है, अब यहाँ हमने 6 लिया,
तो जो 6 नंबर है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हमने 2 से भी एक लाइन बना दी और 3 से भी बना दी। फिर हमने 12 नंबर ले लिया, अब 12 नंबर 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, डिवाइड तो वो 3 और 2 से भी हो रहा है, लेकिन 3 और 2 अब हम यूज कर चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं 12 पे, तो इसलिए 2 और 3 को ना यूज करते हुए, केवल 4 और 6 को यूज करते हुए हमने 12 पे लाइन बना दी। ठीक है, तो ये हैसे डायग्राम हो गया 12 के लिए। ठीक, अब हम देखेंगे हैसे डायग्राम 30 के लिए। तो हमने लिखा 1 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 को भी डिवाइड कर रहा है, 5 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 ना 3 को डिवाइड कर रहा है, 3 5 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 5 2 और 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है, उससे बड़े हैं, 1 इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये तीनों नंबर साथ में लिखे गए हैं 2 3 5, क्योंकि ये तीनों आपस में किसी को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो 2 3 5 1 से एक लाइन 2 के लिए गई, एक 3 के लिए गई, एक 5 के लिए गई। ठीक है, उसके बाद हमने 6 लिया नंबर, 6 लिया तो 6 जो है 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो 6 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। फिर हमने यहाँ पे 10 लिया, 10 2 से कट रहा है और 5 से कट रहा है, तो 2 से बना दी एक लाइन, एक लाइन बना दी 5 से। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हमने 15, 15 जो है 3 से भी कट हो रहा है और 5 से भी कट हो रहा है, तो 3 से एक लाइन 15 के लिए बना दी, एक लाइन 5 से 15 के लिए बना दी। अब आपके देखिए 2 3 5 ये तीन नंबर आपके यूज हो गए। अब इनको हम कोई नंबर और ऊपर ऐसा आ जाए जिससे ये नंबर कट भी रहे होंगे तब भी हम इनको नहीं काटेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा 30, 6 5 जा 30, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, तो तीनों से एक एक लाइन बन गई। अब ये नहीं कि आप 2 से भी 30 की बना दो, 5 से भी 30 की बना दो, नहीं, इसको हम लोग यूज कर चुके हैं तो अब ये वाला पार्ट नहीं यूज होगा। अब हमने एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि हम हैसे डायग्राम को कैसे चेक करेंगे कि वो लैटिस है कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं उस हैसे डायग्राम में लोएस्ट पॉइंट और ग्रेटेस्ट पॉइंट है कि नहीं। लोएस्ट पॉइंट भी केवल एक ही होगा और ग्रेटेस्ट पॉइंट भी केवल एक ही होगा। तो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट 1 है, ग्रेटेस्ट पॉइंट 30 है, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट 1 है और ग्रेटेस्ट पॉइंट 12 है। इसका मतलब ये दोनों ही लैटिस की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। और क्या हुआ है, ये दोनों ही हैसे डायग्राम क्या है, लैटिस है। अब ये हमने आपको समझाने के लिए बता दिया लोएस्ट पॉइंट और ग्रेटेस्ट पॉइंट, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं, ये आप बनाओगे और यहाँ पे लिखोगे कि ये लैटिस है और ये भी लैटिस है। आ रही बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।